केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के 182,140 लोग संक्रमित हैं। इनमें से 90,990 का इलाज चल रहा है, जबकि 86,943 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 5,164 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर में अब तक 62,62,800 लोग कोरोना से संक्रमित है, जबकि 3,73,855 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की खबर यह है, इसी दौरान 28,46,523 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। अमेरिका और ब्राजील दोनों महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की मदद का जज्बा बरकरार है। अमेरिका ने कहा वो ब्राजील को 1,000 वेंटिलेटर्स और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की 20,00,000 टेबलेट भेजेगा। भारत में 68 दिन के लॉकडाउन के बाद रेलवे ने 200 यात्री ट्रेनें 1 जून से शुरू कर दी है। इन ट्रेनों में बिना रिजर्वेशन कोई नहीं बैठ सकेगा। रिजर्व बोगियों में केवल कंफर्म टिकट वाले यात्री ही बैठ सकेंगे। वेटिंग टिकट वालों की एंट्री नहीं हो सकेगी। जनरल बोगियों में भी सीटों की संख्या से ज्यादा लोगों को चढ़ने नहीं दिया जाएगा। रेलवे ने ट्रेन शुरू करने के साथ ही नियम भी कड़े कर दिए हैं। यात्रियों को सफर के लिए कम से कम 1.5 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा। इस दौरान सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग सहित जरूरी जांच की जाएगी। इस दौरान सभी यात्रियों को मास्क लगाना भी अनिवार्य रहेगा। कोरोना से बचाव के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के इस्तेमाल को लेकर किए गए रिसर्च में अच्छे नतीजे आए हैं। ICMR की स्टडी के मुताबिक HCQ के 6 या ज्यादा डोज लेने वाले 80% हेल्थ केयर वर्कर्स इन्फेक्शन से बच गए, लेकिन बचाव के लिए PPE किट और दूसरे उपाय भी जरूरी है। दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमित देशों की सूची में भारत अब 9वें से 7वें स्थान पर आ गया है। रविवार तक देश में कुल 190,600 मामले सामने आ चुके थे। बीते 2 दिनों से हर रोज 8,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान का रविवार देर रात निधन हो गया। वे 42 साल के थे। साजिद वाजिद की जोड़ी से पॉपुलर हुए वाजिद लंबे वक्त से किडनी की परेशानी से जूझ रहे थे। उनका मुंबई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। वाजिद के निधन से बॉलीवुड में दुख की लहर दौड़ पड़ी। सेलेब सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने वाजिद के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा, वाजिद खान के निधन से झटका लगा। एक चमकती मुस्कुराती प्रतिभा का निधन, उनके लिए दुआएं प्रार्थनाएं और शोक संवेदनाएं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ की आर्थिक सहायता मांगी है। इन दिनों दिल्ली को राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा, इसलिए केंद्र से मदद मिलना जरूरी है, जिससे कर्मचारियों, शिक्षकों, डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल डिफेंस के लोग तथा कोरोना राहत में जुटे अन्य कर्मियों को सैलरी का भुगतान किया जा सके।